तो ये कर्जा उसका बाप आके उतारेगा? उतर जाएगा कर्जा, काम कर तो रही है वो। खत्म हो गई उसने जहां, कोई काम नहीं है। इतने महीनों से कोई एक भी पार्टी हुई है यहाँ? तो खुद जा जाकर प्रोड्यूसरों को दावत नामे दे रहा है, कोई आया यहाँ? आपने छोटी बेटी को स्टार बना दिया, इसलिए हुस्न जहां के लिए कोई नहीं आ रहा, उसे प्रमोट कर रही है ना आप? हाँ कर रही हूँ। फिर तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? उसने जहां ने भी मुझसे यह सवाल नहीं पूछा। आपा मुमताज, वो बेटी है आपकी, लाखों कमा के दिए, बुरे वक्त में आप उसे कैसे छोड़ सकती हैं? मैं नहीं छोड़ रही, उसकी जिद उसे छोड़ रही है। अरे मखदूम साहब तो उसे यहाँ से ले जाने आए थे, पर ना उसे तो अपने नाम के साथ कोई नाम नहीं लगवाना। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं उसकी अकड़ खत्म होती है, कैसे नहीं झुकती है वो। मुमताज मैं आपके आगे हाथ जोड़, वो कहां जाएंगी यहां से? मखदूम साहब की हवेली में। मखदूम साहब की हवेली, वहां घोड़े हैं, जानवर और औरतें, तीनों में कुछ फर्क नहीं है। ये तो उस वक्त उसे सोचना चाहिए, तरह तहा के साथ भागते हुए सारी जवानी फूंक दी उसने। इस उम्र में तो उसको अब यही मिलेगा ना, शुक्र करे उसे ये भी मिल रहा है। मैं इस घर को आग लगा दूंगा अगर हुस्न जहां को यहाँ से कोई लेने आया तो। तो टकेगा मेकअप आर्टिस्ट, तू क्या, तेरी औकात क्या, तू आग लगाएगा? तुझे मैं उठा के बाहर पिकवाती हूँ, जब्बार रशीद। नहीं अम्मा, कुछ नहीं करेगा ये, कुछ नहीं करोगे तुम, बिकने दो इस घर को, तुम्हारा क्या जाता है? इसे बांध के रख या इसके गले में पट्टा डाल के रख, ये तो मैं हूं जो इसे बर्दाश्त कर रही हूं। मेरी जगह अगर मखदूम साहब होते तो इसे यहां जिंदा गाड़ देते। तुम भी चले जाओ, अब बीवी बच्चे घर है तुम्हारा, कब तक मेरे साथ लटके रहोगे? मुझे काम नहीं मिलना अब। आप मेरे साथ मेरे घर चले, जो रुखी सुखी मैं खिलाऊंगा आपको, चले। मैं जहां जाऊंगी भलाई मेरे साथ आएगी, मैं अपनी भलाई तुम्हारे घर क्यों उड़ाऊं? कोई नहीं है आप, कोई नहीं है जो जो आपकी हिफाजत कर सके, आपको बचा ले। अल्लाह से कहा है मत करें, आजकल ऐसे मौजजे नहीं होते, मत करें। तुम ये कहो कि हुस्न जहां के लिए मौजजे नहीं होते, कि मैं तो मौजजे की दुआ कर ही नहीं रही। तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांग रही, कल मखदूम साहब की गाड़ी आएगी, इरादा बन जाए तो फोन करके बता देना, मैं लेने आ जाऊंगी, वरना बहन भाई घर में रखने को तैयार नहीं है।
किसका खत है ये? सब खैरियत तो है? अल्लाह की मदद आ गई। किसका खत है बताएं तो? बाबा को खत लिखा था मैंने, अपनी परेशानी बताई थी, टिकट भेजी उन्होंने, उसने पास बुलाया मुझे। आप दोबारा तुर्की जाएंगी? हाँ सुल्तान, यहां से अब दाना पानी उठ गया है मेरा। यहां ना मैं इज्जत से रह सकती हूँ, ना ही बेइज्जती से। कैसे जाएंगी? आप मुमताज बार मुलाजिम छोड़कर गई हैं, वो आपको नहीं निकलने देंगे। मखदूम साहब को तुर्की का पता चला, वो आपको वहां से ले आएंगे। आप मुमताज ने आपकी बहन की फिल्म प्रोड्यूस करवाई है उनसे, वो आपके पूरे खानदान को मार देगा। तो तुम मुझे मार दो सुल्तान। क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे अलावा काम और कोई नहीं कर सकता, मार दो मुझे।